आज मैं बनाने जा रही हूँ पुई के पत्ते के पकौड़े। ये देखिए इस तरह से मैं पत्ते को धोकर साफ कर ली हूँ। इसे देखिए ऐसे। इसके लिए हमें चाहिए एक बॉल, उसमें हमें चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा हमें आधी कटोरी चाहिए, इसे मैं ले ली हूँ। अब हमें चाहिए बेसन, बेसन हमें 2 चम्मच चाहिए। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, अदरक पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन पेस्ट 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसे थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हमें मिलानी है, हल्के हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हमें मिलानी है। ज़्यादा पतली हमें नहीं करनी है। तलने वाले पकौड़े से बैटर हमें थोड़ा गाढ़ा रखनी है इस तरह से ऐसे। ये देखिए मेरे बेसन घोल तैयार हो चुके हैं पोई के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इसमें हमें मीठा सोडा नहीं डालनी है। तवा मैं चढ़ा दी हूँ, तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच सरसों तेल। ये देखिए इसे डालकर इस तरह से ऐसे हमें तवे पर फैला देनी है, चारों तरफ घुमा देनी है ताकि पकौड़े जब इसमें रखे तो नीचे से बर्तन ना पकड़े। और अब हमें पत्ते को लेनी है। ये देखिए पोई के पत्ते को इस तरह से फोल्ड कर देनी है ऐसे। उसके बाद इधर से भी फोल्ड करनी है। अब हमें बेसन में लपेट लेनी है इस तरह से ऐसे। लपेट कर हमें चारों तरफ से कवर करके हमें तवे पर रख देनी है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हमें और भी रख लेनी है। एक और मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पत्ते ली मैं इधर से फोल्ड की, उसके बाद इधर से भी और इधर से भी फोल्ड कर ली। तीनों तरफ से फोल्ड करके अब मैं बेसन में लपेट लेती हूँ चारों तरफ से, ताकि पूरे चारों तरफ बेसन लग जाए। ऐसे लपेट कर और तवे पे रख देनी है। जब ये थोड़ी थोड़ी पक जाए तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी तेल डालनी है। ज़्यादा तेल हमें नहीं डालनी है क्योंकि तवे पर वाली पकौड़े में हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे चम्मच से, करची से या कांटे वाली चम्मच की सहायता से हमें इस तरह से पलटनी है। पहले इधर से घुमाकर इधर रख देनी है इस तरह से ऐसे। उसी तरह हमें सारे पकौड़ों को उसी तरह पलट लेनी है। उसके बाद हाथों की सहायता से इधर से ऐसे पलट देनी है ताकि पकौड़े चारों तरफ अच्छी तरह से पक जाएं। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। कम तेल में और कम सामग्री में बनने वाली ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे पकौड़े मैं निकाल ली। ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, कितने बढ़िया पकौड़े लग रहे हैं। एक बार आप भी इस तरह से घर पे बनाकर देखिए। कम तेल में और कम समय में ये पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।